अगस्त 29 धर्म का मतलब नीति और अध्यात्म का संयोग, द्वैत और अद्वैत, यह क्या झंझट है। भगवान के कारण ही सब निर्माण हुआ, एक से ही दो हुए। हम अपने मूल स्वरूप से अलग हुए इसलिए द्वैत आया। माया में नहीं फंसेंगे तो अद्वैत में रह पाएंगे। माया कल्पना से ही उत्पन्न हुई है, उसे कल्पना से ही मारे। हम बस एक काम करें, जो अद्वैत में रहते हैं उनका पल्ला पकड़े। भगवान के दास होने के लिए जिस कारण से उसे अलग हुए हैं उसे यानी माया को छोड़ दे। जिससे माया उत्पन्न हुई है उसी की शरण जाए। माया भी तो आखिर भगवान के कारण ही हुई है ना। जो भगवान का हो जाता है उसके लिए माया बाधक नहीं होती। माया की शक्ति संकल्प विकल्प में है। अखंड नाम स्मरण में रहने पर माया की बाधा नहीं होती। भगवान का नाम स्थिर है किंतु उसका रूप लगातार बदलता रहता है। प्रत्यक्ष साकार रूप यह कोई सच्चा रूप नहीं है। जो जो भी हमारी कल्पना में आ सके वह सब रूप ही हैं। भगवान के नाम के बदले में कुछ अपेक्षा नहीं है, इसलिए वह पूर्ण है। संतोष पूर्णत्व का स्वभाव है, इसलिए जो पूर्ण नहीं है उसमें असंतोष है। भगवान की ओर से आने वाली शांति ही संतोष है और वही पूर्णत्व है। जो शास्त्र संतोष देता है वही सच्चा शास्त्र, और जिससे शांति और संतोष का लाभ हो वही सच्चा धर्म। धर्म यानी नीति और अध्यात्म का संयोग ही है। जो दूसरे के हित का विचार न करते हुए अपने ही हित का विचार करता है वह स्वार्थी ही है। सुख हो ऐसी मनुष्य की इच्छा होती है, इससे अस्वस्थता आती है। इसी अस्वस्थता के कारण तड़पन निर्माण होती है। इसी तड़पन के कारण संसार में सुधार निर्माण होते हैं, किंतु ये बाह्य सुधार जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही मनुष्य ज़्यादा दुखी होता है। जो विद्या केवल नौकरी का साधन होती है वह अपूर्ण ही होती है। ऐसी विद्या को पेट के लायक ही समझे वह संतोष नहीं दे सकती। संतोष देने वाली विद्या और ढंग की ही होती है, अतः लौकिक विद्या को अधिक महत्व न दे। कभी कभी हमारे मन में यह संदेह पैदा होता है कि संसार में कहीं सुख संतोष आनंद है या नहीं, किंतु वह संदेह सही नहीं है, क्योंकि जो वस्तु संसार में है ही नहीं उसका नाम कैसे होगा। असंतोष का अर्थ ही जो संतोष नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि संतोष पहले होगा ही। दिवाली में जो सुखदायक होगा वह उस दिन किया जाता है, और जो दुखदायक होता है वह दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह कि उस रोज ही हमारी चिंता बनी रहती है, फिर भी हम वह दिन मजे में यानी चिंता रहित होकर बिताते हैं, और दूसरे दिन चिंता तो सिर पर है ही। किंतु जो भगवान का स्मरण करेगा उसे चिंता कभी भी नहीं होती। आज का मुख्य विचार, जिसकी प्रत्येक कृति राम स्मरण में होती है वही असल में राम राज्य में रहता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.